हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और जय माता दी आप सबको। तो आज नवरात्र का है, छठा या सातवां दिन है आई थिंक। आज नवरात्र का 6 डेज हो गए हैं। तो अभी मैं ना आज कन्या खिलाने जा रही हूँ, तो मैंने पूजा अपनी कर ली है और पहना है साड़ी आज बहुत दिन बाद। तो अब जा रही हूँ पूड़ी और खीर पूड़ी बनाने के लिए। तो मैं आ गई थी सबसे पहले किचन में, क्योंकि टेंशन थी कि इतनी जल्दी मैं खीर रख दूँ, और इस बार ना खीर मेरी इतनी जल्दी बनी है मुझे खुद यकीन नहीं होता है। क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या किया था ना, कवर कर दिया था प्लेट से, और तो इससे क्या होता, जल्दी उबाल आ गया था। तो इसी तरह से जब मैंने दूध भी ऐड किया ना, तो इसी तरह से उबाल आने का इंतज़ार किया, इस तरह से कवर कर दिया था ताकि जल्दी से उबाल आ गए। तो खीर बहुत जल्दी भी मेरी आज पक भी गई थी, और उतनी देर में मैंने जो ये चॉपर है मेरे पास बादाम और ड्राई फ्रूट्स के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बस आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ना इसको प्रेस नहीं करना है, ये बहुत ही ज़्यादा आप दबा दें नहीं तो फिर टूट सकता है, क्योंकि नॉर्मल प्लास्टिक का है ये। तो देखना, इतनी जल्दी मैंने जो है ना काजू और बादाम को इतना क्रश कर लिया था। कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इस तरह से करने में खीर में ना अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसे ही मन हुआ कि चलो फ्राई कर लेती हूँ, ऐसे मैं हमेशा ऐसे ही ऐड कर देती हूँ बिना फ्राई करे, बट आज मेरा मन हुआ कि चलो आज ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर देती हूँ। और बस इस तरह से मैं ना मिल्क वो दूध चेक कर रही थी, खीर बन रही पक रही है कि नहीं पक रही है, कहीं ऐसा तो नहीं एकदम से ऊपर आके गिर जाए दूध, तो भी मेरा काम बढ़ जाए किचन साफ़ करने में। तो भगोने के पार हो जाता है, कभी कभी होता प्लेट के निकल आता है। तो अब मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई थी, मैंने कुछ खाया तो नहीं था पर मेरा कॉफ़ी पीने का मन था, और यहाँ मैंने अंदाजे से 2 बाउल इतना भर के जो है शक्कर ऐड कर दिया था, क्योंकि अंदाज़ा नहीं मिल रहा था। और क्या है ना, जब प्रसाद का भोग का बनाती हूँ ना, तो मैं कभी चखती नहीं हूँ, अंदाजे से माता रानी का नाम लेती हूँ और बस बना लेती हूँ। और मेरी ब्लैक कॉफ़ी भी रेडी हो गई है, तो ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी मैं। और यहाँ देखिए इनकी हालत, मतलब क्या कहूँ, जब से जाने का वो हो रहा ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही जा रही है। और बस ये कि इनको ना खांसी कफ वो हो जा रहा है बार बार अपने आप ऐसे ही। तो और क्या होता है कि घर की रेमेडी नहीं खाते, मतलब जो मैं बनाती हूँ वो सब नहीं खाना है, बस मेडिसिन बहुत जल्दी खा लेते। तो वही मैं कह रही थी घर का नुस्खा खाओ, जो करूँगी वो लो तो ज़्यादा अच्छे से जो है आराम मिलेगा। यहाँ मैं फटाफट, मैंने तेल तो गर्म करने के लिए रख दिया था, खीर मेरी देखें ऑलमोस्ट पकी गई है, थोड़ी देर और खाना मेरा बहुत जल्दी बन गया था। और पूड़ियाँ ना बहुत सारी मैंने खट्टा बेल के रख दिया था, और फिर सेकने में तो टाइम लगता नहीं है। और आज ऐसा हुआ है कि मेरा खाना इतनी जल्दी बन गया है, पर कन्या बहुत देर में आई थी तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। तो बस प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत जल्दी पर कन्या खा लिया गया था, कन्याओं ने खा लिया था, पर हाँ ये कि थोड़ा और जल्दी सोचा था, पर खाना मेरा, मुझे तसल्ली कि खाना लेट नहीं हुआ है, और भोग माता रानी को सबको मैंने लगा दिया था। और यहाँ फटाफट जो है पूड़ियाँ भी मैंने सेक दिया था, क्योंकि वाली कढ़ाई ढूंढ रही थी, बट फिर मैंने कहा अरे वो तो वॉश करने के लिए रखी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे भी वो काफ़ी बड़ी पड़ जाती, मैं उसमें नहीं जल्दी सेकती हूँ। और जो एक अल्मोनियम की एक और है, उसमें तो इतना धुआं हो गया था लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो उसमें तो मैं सेकने से रही। एक छोटी वाली मस्टर्ड ऑयल रखा हुआ है, तो इसी वजह से मैंने उसको यूज़ नहीं किया था, क्योंकि तलने के काम आता है। यहाँ ये देखिए दोनों बेटियाँ आ गई थी, भाई की बेटी है ये, और काफ़ी टाइम बाद ये लोग कन्या खाने के लिए आई हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इन लोगों को बहुत खुश थे। और यहाँ देखिए कैसे सिंहासन पे बैठा हुआ है, पूरी चेयर जो है फुल है और उसी में आयान बैठा है। सेल्फ़ी स्टिक का जो है ना, ये सब जो है साइज़ नाप रहे थे कि कितनी बड़ी है, तो वही मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था इसका शॉट। काफ़ी बड़ा साइज़ है सेल्फ़ी स्टिक का, और काफ़ी यूज़फुल है, कहीं भी आप लेके जाइए ना प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी फ़ोटोज़ वगैरह के लिए। और यहाँ कन्या भी आना स्टार्ट हो गए थे, ये लोग खेल रहे थे तब तक मैं फ्री थी बिल्कुल, मतलब खाना वाना बनकर। और ये देखिए छवि नाम है इसका जो बड़ी बेटी है, और बहुत मज़ा आता है, लोगों को वीडियो के सामने लो ना तो बहुत खुश हो जाते हैं। और अयान पता नहीं कुछ बोल रहा था मुझसे।
और यहाँ देखिए यहाँ आ गई मेरी लाडो रानी और ये भी बहुत मस्ती खो रहा है सच में, इसने बहुत परेशान किया, बहुत मस्ती करती है और बहुत क्यूट है। और आज वो बहुत खुश थी क्योंकि मैं साड़ी पहनी थी इसी वजह से, तो उसको ना साड़ी बहुत अच्छी लगती है और जब मैं भी साड़ी पहनती हूँ ना तो ये बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ कन्या खिलाना स्टार्ट हो गया था हम लोगों का और मैं टीका वगैरह कर रही थी, ये पूरा खाना जो है ना वो सर्व कर रहे थे, प्लेट्स वगैरह लगा रहे थे। और यहाँ बहुत मुश्किल है मुझे कन्या जितनी मिल जाती है, नहीं तो कन्या इतनी होती नहीं है, बट मैं सोचती हूँ 7 कन्या हो गई थी फ़िलहाल तो, और तो मैंने कहा चलो इतनी बहुत है। और क्या होता है ज़रा दूर से बुलाने को मैं नहीं सोचती हूँ क्योंकि ज़िम्मेदारी होती है, बच्चे मस्ती करते हैं ये वो, तो ये लगता है कि ज़्यादा दूर से मैं नहीं बुलाना चाहती हूँ, नज़दीक में ही मिल जाए कन्या वो ज़्यादा सही रहती है। उस बार काफ़ी ज़्यादा थी, अभी जब मैंने कन्या खिलाया था, उद्यापन किया था लक्ष्मी जी का, तो यहाँ बहुत अच्छे से सबने कन्याओं ने बड़े मज़े से खाया। हाँ आज बहुत लोगों ने कन्या खिलाई थी अदर जगह, तो कुछ कन्याओं ने बहुत कम खाया खाना, मतलब खाया है बट बहुत कम। हाँ जो ज़्यादातर दही जलेबी खिलाते हैं फिर वो पूड़ी सब्जी पूड़ी और खीर खा लेती हैं वैसे, तो इसलिए ज़्यादातर कन्याओं तो ये कि खाया है उन्होंने सही से। वो कन्या वगैरह सबने खा लिया, अच्छे से खा के चली गई, और बहन भाई की बेटियाँ थी तो वो रुकी थी, अच्छा लग रहा था उनको थोड़ी देर कि बुआ रुकना है, तो मैंने कहा ठीक है बेटा खेलो, हम लोगों ने खूब खेला मस्ती किया, उसके बाद फिर वो लोग चले गए। हाँ अब आयान रो रहा कि आयान को लेके नहीं गए साथ में ना आयान, तो सारा काम तो मेरा हो गया था और मैंने सोचा पनीर की सब्जी बनाऊंगी, पर फिर उन्होंने बोला कि नहीं हमें मठा की आलू खाने का बहुत मन है, तो फिर इसीलिए फिर मैंने कहा चलो मठा की आलू ले फटाफट, और मठा की आलू बना दिया मैंने, तो नहीं तो पनीर की सब्जी बना देती मैं क्योंकि पनीर रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो पनीर मैं खा लूँगी। पनीर वैसे भी इस समय मेरा जो है खाना नहीं, पनीर और नॉर्मली कल चने वगैरह जो भिगोए थे तो मैंने वही खाए थे, तो ये हो गया है मठा की आलू में। अब इसमें मैं ऐड करूँगी आलू, दो तरीके से बनते हैं, आप चाहे तो जो तरीके से बनाएं, मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया है, करूँगी नमक ऐड। और ये है मैंने ब्राउन राइस बनाया था और उसके साथ मैंने मठा की आलू खाया था, राइस से नहीं खाया, ब्राउन राइस है तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, थोड़ा सा इसका टेस्ट अदर राइस से बहुत ही अलग है, हो सकता है कि आप लोग खाएं तो अच्छा ही ना लगे बिल्कुल। और उसके बाद शाम को हम लोग चाय वाय पी के आ गए थे मार्केट, तो इनकी टी शर्ट्स नहीं मिल रही थी जैसी इनको चाहिए थी, बट यहाँ पर जो दूसरा मॉल हम लोग आए थे यहाँ इतनी भीड़ थी, पर हाँ यहाँ कलेक्शन बहुत अच्छे थे तो ज़्यादा तो नहीं, जितने जो मिले इनके साइज़ के उतने हम लोगों ने ले लिया, और मैंने क्या लिया वो अब आप लोगों को बताऊंगी। और काफ़ी ऑफ़र भी थे अदर प्रोडक्ट्स में, अदर चीज़ों में और क्लोथ में, और जो किड्स है कलेक्शन बहुत अच्छे थे, और ये टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी और एक अयान से काफ़ी मैच करती है। और यहाँ ट्रायल रूम में आप देख रहे हैं ना कितनी ज़्यादा भीड़ है, ओ माय गॉड, मतलब एक इनको टी शर्ट चेंज करने में बहुत टाइम लगा। तो मैं आ गई हूँ घर और इनको टी शर्ट्स लेने से आपको उस पंखे की थोड़ी घर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो इग्नोर करिएगा, और इनको टी शर्ट्स लेनी थी, उस दिन हम लोग मॉल गए थे यहाँ के शॉपिंग करने बट इनको साइज़ नहीं मिला, एंड उस दिन इनको कहीं जाना था तो ये हुआ कि चलो हम बाद में आ जाएंगे और बच्चों को लेके नहीं जाएंगे तो फुर्सत से हम ख़रीद भी लेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज बच्चे दोपहर में ही कन्या खिलाया था मैंने, तो सिस्टर के चले गए थे क्योंकि वो भी आज शाम को उसने कन्या खिलाई थी तो इसलिए वहीं पे चले गए थे, तो फिर अभी हम लोग गए थे, तो मैंने लिए अपने लिए जैगिंग एक ली है बस, और कुछ नहीं लिया है क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता, इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा मतलब लेडीज़ में भी ट्रायल रूम में इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, जेंट्स में भी,
तो और ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन इतनी शॉपिंग कर रखी है, तो फिर मैंने कहा छोड़ो, इतना टाइम लग जाएगा फिर मुझे लेने में, तो फिर मैंने कहा रहने दो। तभी गए बच्चों को लेने के लिए, एंड छोटी मोटी कुछ चीज़ें ऐसी लेनी है सिया के लिए, कुछ इयररिंग्स लेने हैं छोटे छोटे आर्टिफिशियल वाले मुझे लेने हैं, मुझे लेने क्या, मुझे बहुत सारे मेरे पास है ऑलरेडी, बट ना मुझे कुछ हुक्स इयररिंग्स आते हैं ना, तो उस टाइप के मुझे चाहिए थे, और अगर कुछ मिल जाएंगे तो ले ही लूँगी फिलहाल। और बाकी तो बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है मेरे पास, तो थोड़ा बहुत चीज़ें ऐसी है, नॉर्मल फाइनल पैकिंग तो जानते एंड टाइम तक होती रहती है, तो एंड टाइम तक मुझे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो रखनी ही पड़ेगी, नॉर्मल फेस वॉश वगैरह है मेरी, हाँ एक मॉइस्चराइज़र क्रीम आनी थी, मैंने ऑर्डर किया था, बहुत जल्दी उन्होंने डिलीवर कर दिया purple.com से, तो वो भी आ गई है, तो वो जस्ट पैक करूँगी। एंड मेरा हैंडबैग में कुछ चीज़ें रखनी है, वो बस नॉर्मल थोड़ी बहुत चीज़ें रखनी है, मेरी अब रिक्वेस्ट फुल हो चुका है फिलहाल, कुछ विंटर कलेक्शन वॉर्म थोड़ा सा नॉर्मल वो रखने ही पड़ेंगे, तो वो भी रख लूँगी। और अभी टी शर्ट्स वगैरह आए हैं इनके लिए, तो बहुत अच्छी लग रही थी, दो टी शर्ट्स बहुत मुश्किल में साइज़ मिला है, तो क्योंकि सब एक्सल डबल एक्सल जो कि इनका साइज़ नहीं है, बहुत बड़ा साइज़ है इनके अकॉर्डिंग, तो मैंने कहा तुम साइज़ बड़ा हाल हो ना, तुम डबल एक्सल हो जाओ। और बस टॉप्स वगैरह, तो टॉप वगैरह बहुत अच्छे थे, बट मैंने कहा छोड़ो यार, बहुत टाइम लग जाता अगर मैं अभी लेने लगती तो। और यहाँ पे मैंने ब्राउन राइस मेरे रखे थे ना, तो मैंने शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह है, प्याज नहीं ऐड किया नवरात की वजह से, तो मैंने फ्राई कर लिया था, और इसमें आप चाहे तो जितनी चाहे उतनी वेजिटेबल्स वगैरह जो है ना ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है ब्राउन राइस को फ्राई कर लिया था, और हाँ पनीर था तो पनीर ऐड कर लिया था। आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।